हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपसे पंजीरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। पंजीरी बनाना काफ़ी आसान है। पंजीरी बनाने के लिए लगने वाले सामान हैं बादाम, काजू, किशमिश, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया पाउडर, शक्कर पाउडर, किसा हुआ नारियल, चार से पांच इलायची, सूंड का पाउडर। सबसे पहले घी को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 8 चम्मच जितना घी लिया है। इसमें गूंद डालिए। गूंद को अच्छी तरह से पकाइए। जब गूंद अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसमें से आवाज़ आएगी, वो अच्छी तरह से उपट जाएंगे। गूंद को अच्छी तरह से उपाड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। इसका मतलब है कि ये अब तैयार है। अब इसमें 10 से 15 काली मिर्च डालिए। जब काली मिर्च भी अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें अब आप बादाम डाल दीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए। अब काजू डाल दीजिए। काजू और बादाम को आप गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने डाला है सूंड का पाउडर, लगभग 1 चम्मच जितना। सूंड के पाउडर से अच्छा स्वाद आता है और वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अब मैंने डाला है किसा हुआ नारियल। अब यहाँ पर आप आंच धीरे रखिए, वरना नारियल जल सकता है। इन सबको लगातार चलाते रहिए ताकि कुछ भी सामग्री जले ना। अब मैं यहाँ पर डाला है किशमिश। थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। अब इलायची डाल दीजिए। और अच्छी तरह से भुनिए। जब सब कुछ अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें धनिया पाउडर डालिए। यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप जितना धनिया पाउडर लिया है। जब आप 1 कप धनिया पाउडर लें तो उसका आधा शक्कर लीजिए और उसको पीस लीजिए। धनिया को चलाते रहिए और धनिया का पकना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छी तरह से पका लीजिए। ध्यान रखिए वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। पंजीरी बनाने में बहुत आसान है और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी है। इसमें काली मिर्च, अजवाइन, धनिया, गूंद होने के कारण ये बहुत गुणकारी है। पंजीरी को हम व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पाउडर शक्कर की जगह गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से भुनिए
ताकि इससे धनिया की सुगंध चली जाए। इसको तब तक भूनते रहना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा डार्क ना हो जाए। कम से कम 1 मिनट तक इसको ज़रूर भुनिएगा। पंजीरी को हम फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं। केला, अनार इसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग सुबह नाश्ते में पंजीरी के साथ दूध खाना पसंद करते हैं। आप पंजीरी को ज़रूर बनाइएगा। अब इसके अंदर पाउडर शक्कर डाल दीजिए। ध्यान रखें, शक्कर अच्छी तरह से पिसी हुई होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह से ये पिसी हुई होगी, उसको मिलाना उतना ही आसान होगा। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो आपकी पंजीरी तैयार है। अब इसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आंच धीमी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पंजीरी लगभग तैयार है। देखिए, अब पंजीरी तैयार हो गई है। इस पंजीरी पे मैंने अनार डाले हैं, इसके साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।